नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एक्स वाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों, खुशखबरी इलेक्ट्रिक ऑटो वालों के लिए। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रिक ऑटो लेने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, नया सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। परिवहन विभाग का नया आदेश आ गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अभी मैं आपको वो आदेश दिखाऊंगा, उसमें क्या क्या लिखा है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से इलेक्ट्रिक ऑटो जो भाई लेना चाहते थे उनके लिए अब जो है दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया। तो दोस्तों, आपको मैं वो ऑर्डर दिखाऊं, उससे पहले आप सभी ड्राइवर भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्योंकि दोस्तों, हमारे चैनल पर ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, RTO से जुड़ी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि दिल्ली सरकार ने और दिल्ली परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक ऑटो वालों के लिए क्या खुशखबरी दी है, क्या ऑर्डर निकाला। पूरा ऑर्डर मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, ये जो ऑर्डर है दिल्ली परिवहन विभाग ने निकाला है, ये उन सभी ड्राइवर भाइयों के लिए ऑर्डर निकाला है जिनके पास इलेक्ट्रिक ऑटो लेने की LOI है। जी हाँ दोस्तों, जिनके पास LOI है। तो दोस्तों, जैसा सभी ड्राइवर भाइयों को पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक ऑटो की LOI दिल्ली सरकार ने दी थी, उसकी लास्ट डेट जो थी वो 31 अक्टूबर 2022 थी। तो दोस्तों, अभी तक जो है कंपनियों की कमी की वजह से, यानी कि कंपनी में माल ना होने की वजह से, जिनके पास LOI थी वो ड्राइवर भाई अपना इलेक्ट्रिक ऑटो नहीं खरीद पाए थे। इसलिए काफ़ी मात्रा में ऐसे ही LOI अभी तक ड्राइवरों के पास पड़ी हैं जिनसे इलेक्ट्रिक ऑटो नहीं खरीदा गया है। यही सब देखते हुए दिल्ली सरकार ने और दिल्ली परिवहन विभाग ने उन सभी ड्राइवर भाइयों को राहत देते हुए अब एक बार फिर से इस इलेक्ट्रिक ऑटो की जो LOI है उसकी डेट बढ़ा दी है दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि पहले जो थी 31/12 तक ये वैलिड थी, अब इसकी डेट बढ़ाकर कितनी कर दी है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ऑर्डर मेरे पास आ चुका है। इसमें लिखा है, इन पार्शियल नोटिफिकेशन ऑफ द प्रीवियस सर्कुलर, जो पहले जो ऑर्डर जारी किया था उसके जवाब में ये आया है। ये 12/8/2022 को दोस्तों निकाला गया है, यानी कि दोस्तों आज ही इसको निकाला है। तो यहाँ पर लिखा है, वियर बाय द कंडीशन ऑफ LOI ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ई ऑटो रिक्शा वर एवरीड इन रिस्पेक्ट प्रोसेसिंग द PSV बैच एंड लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ई ऑटो रिक्शा वाज 31/10/2022। यहाँ पे लिखा है, जो पहले जो डेट थी ई ऑटो रिक्शा रजिस्ट्रेशन करने की, वो 31/10/2022 थी। अगेंस्ट द LOI ऑलरेडी इशूड द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ई ऑटो रिक्शा फर्दर एक्सटेंड अप टू 31/12/2022। तो दोस्तों, अब जो है इसकी डेट बढ़ाकर 31/12/2022 कर दी गई है। नाउ ऑब्टेन द PSV बैच फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ई ऑटो रिक्शा द लास्ट डेट में आल्सो बी रिक्वायर्ड 31/12/2022। तो दोस्तों, ये डेट जो है अब आपकी LOI की 31/12/2022 तक बढ़ा दी गई है। तो अब जिनके पास LOI पड़ी है, जिन्होंने अभी तक अपना PSV बैच नहीं बनवा पाए हैं, जो वो अपना PSV बैच बनवा सकते हैं और इलेक्ट्रिक ऑटो को ले सकते हैं और अपनी कमाई शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से आने वाला नया आदेश जो मैंने आपको दिखाया। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।